माशाल्लाह से फ्रिज मेरी यहाँ पर सारा कुछ रेडी हो गया, हर चीज़ मैंने रख दी है। यहाँ भी हमारी रोज़ों की तैयारियाँ शुरू है, सारा कुछ यहाँ भी यार माशाल्लाह। डाइनिंग टेबल पे भी हर चीज़, और किचन में भी बड़ा फलावा फैल गया चीज़ें समेटते समेटते। मुझे लगता है चांद नजर आ गया, हाँ जी, तो चले ऊपर चांद देख के। यहाँ तो मेरा दाम खड़ा हुआ है। ओ माई गॉड, बड़े बड़े डायलॉग डायलॉग। चलो आओ शुजेब, रमजान का चांद देख के आए। लो उसको तो सर में जुए तो नहीं पड़ गई। हाँ तबीयत सही है? तबीयत नहीं शतीब की ठीक हो रही। चलो आओ चले चांद देख के, यूट्यूब फैमिली को भी चांद दिखाए। आ जाओ उठो। जिसने सबसे पहले चांद की तस्वीरें खींची उसके 50,000। हाँ रमजान का चांद देखने के लिए 50,000 का नाम मिलेगा हमें। हाँ जी हमारे घर में गए सब सदमे में है, सब बीमार है। मेरी आवाज देखे, शदेब भी बीमार, रिजवान भी बीमार, बस फिर भी चल फिर रहे हैं कि चलना है। हाँ जी चलना एक बात। चलना है, हिम्मत करनी है। रिजवान क्या है, फुस हुई है। चले आए चांद देखते हैं ना, फिर आप आराम कर लेना। चलो उम्मे भी बा आपने आना चांद देखने, मोबाइल बंद करके आना। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, गाइस आप सब भी मेरे साथ साथ, ये सबको मैं पीछे लेके आई। और हम लोग ऊपर आ गए। चांद नजर ही नहीं आ रहा मुझे तो। उधर हो, उधर देखो, जाके उधर कहाँ लगे चले। ये ईंटें पड़ी थी। नहीं पैर पे लग गए। चांद देखने आई हूँ। मैंने इधर नजर देखा आ रहा है था, शुजेब? मैंने इधर देखा था, तुम्हें हाँ चांद देख रहे, वो छत पे चढ़ गई है। शुजेब चांद नजर आया? चांद तो आ गया लेकिन अब मैं नहीं नजर आया। मैंने यहाँ से आया था, आज बादल है, थोड़ा दूर लुक गया बादलों में, मुझे लग रहा है चांद बादल बहुत की बिजी था वजह पता से। आपको। मैंने हाँ मुझे लग रहा वो है। हाँ मुझे भी लग रहा है इधर है ये हल्का सा, मोबाइल में। चलो दुआ मांग लो सब, जो है ना यूट्यूब फैमिली के लिए भी सबने दुआ मांगनी है। ठीक है गाइस, ये रमजान का चांद हम सब पे मतलब खुशियां लेके आए सबके लिए, सबकी मुसीबतें दूर करे। सब दुआ मांग लो जल्दी से। मैं भी बा फटाफट आमीन आमीन करिए। शुदेव तुम भी कोई अच्छी सी दुआ मांग लो। हाँ 2 मिनट अल्लाह पाक सब पे अपना रहम अल्लाह पाक करे। सारे ने आमीन सेहत पे लग गए। आमीन 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 तुम आमीन। सब रोज और रहे तजीक दे। आमीन सबको रमजान के लिए सारे 30 के 30 रोजे रखने की तौफीक दे। ठंड बहुत ज्यादा दुआ मांगनी चाहिए। हाँ आप इस बार ईमान को क्या बता, ये ईंटें हटा दो जो मुझे लगी है। अब जी गाइस हमने यहाँ पर, मैंने फटाफट से किचन भी अपना सबेट लिया और सोना भी है, एक थोड़ी सी नींद लेंगे क्योंकि सुबह सैरी करनी है लाजमी। तो सैरी करके फिर रोजा रखेंगे क्योंकि सैरी करनी चाहिए। और इन सबको मैं ऊपर लेके आई हूँ, चांद दिखाया अपनी यूट्यूब फैमिली को, चांद दिखाया। चले जी गाइस अब सैरी में मिलते हैं। हमें गैस का बिल बहुत ज्यादा आया, 60,000 रुपया, और इन लोगों ने ये किया कि मीटर बंद कर दिया कि हमने गैस चलानी नहीं है तो सिलेंडर यूज कर दिया। सिलेंडर की वजह से मुझे सुकून नहीं मिला, सुकून नहीं, मजा नहीं आ रहा। मतलब आदत पड़ी ना गैस पे रोटी बनाने की। निवाला लेना जरा। क्या गाइस किसकी इतनी सुबह सुबह एनर्जी वाली सैरी हो रही है, एनर्जी वाली सही वाला। हम यहाँ पर सुबह नाश्ते में, जी मैंने सैरी में बनाई है कढ़ाई और आमलेट, दही, पराठे, मजेदार, सब सैरी करने के लिए बैठे हैं। और ये देखें ये भी बैठे हैं। मेरी बेटी जानवी रोजा रख रही है, बता आप रोजा रख रही हैं? बताओ यूट्यूब फैमिली को कहाँ रोजा रख रही हैं बताओ तो सही, कहाँ बताओ रख कहाँ रही है हैं? रोजा बेटी रोजा रखते।
हमारी तरफ से सबको रमजान की पहली सैनी मुबारक हो। मेरी तरफ से सबको पहली सैनी आया है मुबारक हो। उम्मे भी बा मेरी रानी भरी अस्सलाम वालेकुम। वो नहीं मांग रहा जा रही मेरी यहाँ से। चाय पियो जान शुरू होने वाली। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। चाय पी लो जल्दी कर लो। अजान होने लगी है शुरू। 1 2 3 गो। जल्दी करो गाइस। इनकी बातों में सिर्फ ये रह गए हैं। चाय टाइम से थी, सारी टाइम से थी, सब कुछ टाइम से बना था। और बस जो है ना इन्होंने चुस्किया इंजॉय कर रही है। पहली सारी है ना इंजॉय कर। मैं भी वो मुझे कैसे गौर से देख रही है। सब्जी में मैं आलू मेथी बना रही हूँ आज अफ्तारी। इन सबको आलू मेथी की ही मैंने करवानी। पहली अफ्तारी होगी और पहली हमने इससे करनी। गाइस मेरी तबीयत सेट नहीं हो रही तो दुआ करें। जुकाम जाएगा तो रोजे रखने का भी मजा आएगा। जुकाम शू सारा दिन करती रहती है। अभी खैर उठी हूँ तो ये मैंने मेथी चढ़ाई है और साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी, क्या क्या बनाती हूँ। मतलब अफ्तारी में सारा आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, खाना है, क्या क्या खाना है आप लोगों ने भी कमेंट्स करने हैं मुझे। ईमान कैमरा पकड़ने के लिए फटाफट खड़ी हो गई। रमजान में भी मैं क्रिस्पी पकौड़े बनाती थी और इस दफा भी मैंने पास्ट सैरी पे अफ्तारी पे ये ना क्रिस्पी पकौड़े बनाने लगी। ये मैंने एक बोल बेसन का लिया। आपने जितना भी लेना होगा आप ले सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। और एक बारीक कटा हुआ जो मैंने आलू बारीक सा काटा उसको एक लिया उसको, ठीक है। साथ पीसी हुई ये ग्रीन मिर्चे जो है ना मैंने इसको पीस लिया। और ये साथ नमक मिर्ची इनको सबको मिक्स कर लूं। और जो प्याज है ना इसको एंड पे अंदर मिक्स करूंगी। प्याज थोड़े से ये देखो अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसको दिखाओ ईमान ये मिक्स हो गया। अब ये प्याज जो है ना इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खोल लूंगी। कटिंग की है बारीक बारीक से। जब ये खुले होंगे ना फिर एक एक प्याज को बेसन लग जाएगा तो फिर वो कुरकुरे से मुंह में आएंगे। जो मैंने चटनी रात बनाई है उसके साथ ये लोग खाएंगे और फिर इनके मुंह में और पानी आएगा। चिजेव के मुंह में बहुत पानी आएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह वाले डर जाए चाहे अल्लाह माफ करे। ये देखो अब ये सारे प्याज जो है ना ये मैंने खोल दिए हैं। प्याज ये देखे अब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है। आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी ये पकोड़ा रेसिपी शेयर की है। आप लोग किस तरह बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं वो आपने शेयर करना है मेरे साथ कमेंट्स में। फिर मैं वैसे बना के टेस्ट करके देखूंगी कि अगर हो सकता है मेरे वाले ना इतने मजे के बने और आपके वाले मजे के बने। लेकिन मेरे वाले बहुत मजे के बनते हैं। शज़ीब फर्स्ट टाइम खाएगा। फर्स्ट अफ्तारी है शज़ीब के साथ। अब मैंने वक्फे से ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है जितना मुझे चाहिए होगा ना। ऐड करती जाऊंगी कि इसका जो मिक्सर है ना वो बड़ा अच्छा सा बन जाए। क्योंकि फ्राई आज मैंने ज्यादातर मतलब फ्राई का ही काम करना है और भी चीजें बनानी है। खाली पकौड़े नहीं खिलाने। यहां देखो मेरा मिक्सर बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दूंगी। फिर इसको मैं उधर से मेरा प्रेशर चल रहा है। सालन उतरने का टाइम है। बस सालन आपको पता है अफ्तारी में खाया नहीं जाता लेकिन मैंने फिर भी अफ्तारी में बना लिया कि जिसे भूख लगी उसको रोटी बना दूंगी, जिसको ना लगी चलो सैरी इसी में हो जाएगी। फिर यहाँ सुबह आलू मेथी वाली रोटी बना लूंगी। आलू मेथी वाली रोटी खानी है? खा लेते हो?
जी ये दिखाओ, ये मेरा मिक्सर यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, और जुकाम ने मेरी इतनी हालत खराब की है, मेरी आईज में अभी भी पानी आ रहा है, और आवाज भी मेरी चेंज है, आपको पता चला। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे रख लूंगी, और साथ ही मैंने मिक्सर अपना रेडी कर लिया, और मैं साथ ना अपना फ्रूट चाट का सामान कटिंग करने लगी, वो कटिंग कर लूँ, फ्रूट चाट बना लूँ, फ्रूट चाट का सामान कटिंग कर लूँ। ये फ्रूट चाट का सामान आज शुजेब कटिंग करेगा, कर दो जरा, टाइम कम है, आधा घंटा रह गया। कर दो, मुझे जांच नहीं है। क्या जांच नहीं है? हाँ, तरीका नहीं है। मैं बताती हूँ तरीका, इसका एप्पल के छिलके उतारो। हाँ, और मैं फ्रिज में से, मुझे डर लगा, मुझे लगा कोई चीज गिरने लग गया। क्या बना, फ्राई करूं, नगेट्स खाने हैं। अच्छा, मैंने कहा था ये मैंने सब रोल निकाले हैं, साथ ईमान कैरी मैंने नगेट्स खाने हैं, वो भी ये मैं, ये फ्राई की चीजें मेरी निकल। जब तक मेरा ऑयल गरम हो रहा है ना, मैंने कहा मैं साथ शेक बना लूं स्ट्रॉबेरी का, शेक नहीं जूस बना रही हूं, जूस बना रही हूं, शेक नहीं बना रही। और या अल्लाह, जिसके पास नहीं है ये चीजें दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह ताला सबके नसीब में करे, जिसके पास नहीं है उसको भी दे, और वो भी खा सके, अफ्तारी कर सके। ये दिखावा नहीं करे, आपको पता डेली व्लॉगिंग होती है, लेकिन मैं ऐसी चीजें जो कहती हूँ कि ना ही दिखाए तो इंसान वो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी व्लॉगिंग है तो अब क्या करे, तबीयत भी नहीं थी ठीक, इसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं थी डाली दो तीन दिन ना। क्रिस्पी पकौड़े रेडी होने लगे हैं, ये जब मुंह में जाएंगे और जिंदगी दोबारा हो जाएगी। और मेरी ईमान माशाल्लाह मेरे पकौड़े बड़े शौक से खाती है, वैसे डेली जाती है, मुझे पकौड़े मिले, मामा जी पकौड़े नहीं खाती, चीजी खाते हैं। सीके मार मार के बुरा हाल मेरा हो गया गाइस, आपको पता है ये जुकाम जो है ना इंसान की पूरी मशीनरी खराब कर देता है। या मैंने एक चाट बनाई है, फ्रूट चाट दही वाले बनाए हैं, लगे पकौड़े। अच्छा, चीजी कहते हैं, हमें लगा था कि इसको जो है हम इसलिए जो है नीचे रख दे। फ्रिज में रखा था, ईमान मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि मेरे पास हेल्पर कोई नहीं होता, मेरी बेटी मेरी हेल्प करती है, माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई। हाँ जी, आप भी हेल्प करती हो, मैं गर्मा कर रही हूँ समोसे पकौड़े। तारीख का टाइम हो गया, दुआ मांग ले जान से पहले, पहले जो भी दुआ मांगो वो पूरी होती है। गाइस आप भी ले खजूर खाएं, रोजा खुल गया। और आपको एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा आज पहला फर्स्ट रोजा था ना, इस वजह से हमारे ना चीजें जो है ना कंप्लीट ही नहीं हो रही, डाइनिंग टेबल लगाने से पता नहीं चला कि ये भी चीज भूल, चटनी तो भूल गई थी अपनी इतनी फेवरेट, वो दूसरी चटनी
ग्रीन वाली चटनी भी ले लूं कि नहीं खानी? ये ग्रीन वाली चटनी भी, ये सच्ची में सारे काट दो। चले और वो से पहले ना मैं अपना समोसा खा के दिखाती हूँ, ओ पकोड़ा खा के दिखाती हूँ मेरा पकोड़ा कैसा बना है, क्रिस्पी क्रिस्पी बना है कि नहीं। तो इसके मैंने क्या होता है ये, आए हाय उंगली वाली अपनी चटनी लगा। मजेदार मजेदार है। ये बाबा जान की बेटी? नहीं मामा की है। किसकी बेटी? किसकी बेटी? बेटी दोनों की है, उसने दिल नहीं रखा एक का। किसकी है? बाबा की। दोनों की है, नींद आई है एक बार शो के उतरी मेरी बेटी, शो के उतरी, मामा के काम नहीं खत्म हुए, आप शो के उतरी थी। गाइस आज का सारी रफ्तारी मैंने आप लोगों से फर्स्ट शेयर की और मेरी तरफ से सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो और ढेरों खुशियां आई इस रमजान में। सब एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और कोशिश करें जो आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं उनके साथ आप अफ्तारी लाजमी करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरा जुकाम जाए और मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊं। जुकाम की वजह से मेरा दिमाग घूमता रहता है। और मिलती हूँ मैं सहरी में। अल्लाह हाफिज़।